हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और ये दोस्तों एक अवस्था है जिसको बाल्यावस्था कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं, चूँकि बेसिक एजुकेशन इन्हीं से संबंधित है। तो आज आपको चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था जो दोस्तों होती है वो बाल्यावस्था होती है। ये अवस्था शैक्षिक दृष्टि से जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। मतलब जो भी एजुकेशन की व्यू पॉइंट से जो भी रिलेटेड स्टेजेस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे की हैबिट्स हैं, बच्चों का जो बिहेवियर है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों की इच्छाएं हैं, उसका एक पैटर्न, उसका एक प्रारूप का निर्माण होता है, जिन्हें बाद में आप चाह के भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसको बाद में आप बहुत कोशिश कर लें लेकिन उसमें चेंज आप बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। तो ये अवस्था एजुकेशनल व्यू पॉइंट से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। कोई भी अवस्था उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि बाल्यावस्था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा शास्त्री इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु, जो भी शिक्षाविद हैं वो इसको प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। और बच्चे में स्फूर्ति बहुत अधिक होती है इस अवस्था में, इस कारण कुछ लोग इसको स्फूर्ति अवस्था या स्मार्ट एज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दोस्तों, ये बाल्यावस्था है जो कि एलिमेंट्री स्कूल एज कहलाती है। दोस्तों, ये बाल्यावस्था है जो कि स्मार्ट एज कहलाती है। इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में लगे होने के कारण प्रायः गंदा और बेफिक्र या उदासीन सा रहता है। इसलिए कुछ लोग, कुछ शिक्षाविद, कुछ मनोवैज्ञानिक इसको गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहते हैं। दोस्तों, तो आज आपके सामने दोस्तों जो बात किया उसमें बाल्यावस्था के विकास से संबंधित कुछ बातें हुई, जिसमें मुख्य बिंदु आप ध्यान से सुन लें। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि बच्चे में जो हैबिट, जो बिहेवियर, जो इंटरेस्ट, जो इच्छाएँ का आप बीजारोपण कर देंगे ना, भविष्य में कभी भी उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। चूँकि स्कूल जाने की आयु 6 वर्ष होती है तो इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बच्चा स्फूर्तवान होता है इसलिए इसको स्मार्ट एज भी कहते हैं। और यदा कदा होता ऐसा है कि खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में बच्चे की पूरी एनर्जी लगी रहती है तो वो गंदा रहता है, उसको अपनी स्थिति की बारे में भान नहीं रहता, वो पूरी की पूरी तरीके से एनर्जी उसकी खेल में लगी रहती है। तो इसको डर्टी एज या गंदी अवस्था भी कहते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्टेबिलिटी आ जाती है, फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है दोस्तों वो स्टेबल हो जाता है। तो यही कारण है कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक हैं रॉस, उन्होंने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल, शूडो मैच्योरिटी का एज जिसको कहा है। एक्चुअली बच्चा जो है वयस्को जैसा जो है उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, एडल्ट जैसा, तो उसीलिए इन्होंने कहा है कि शूडो मैच्योरिटी का स्टेज, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ये बच्चों का जो दोस्तों बाल्यावस्था का जो पीरियड होता है उसमें बच्चों की संवेदनशीलता, बच्चों का प्रत्यक्षीकरण, बच्चों का जो मेमोरी का जो पावर है या बच्चों का रीजनिंग यानी तर्क शक्ति आदि योग्यताओं में पर्याप्त वृद्धि होती है। और जिज्ञासा की प्रबलता होती है, बच्चा पूछता है क्यों, कैसे, जो भी सामने उसके दृश्य आते हैं उसमें वो किसी भी घटना का कारण पूछता है, उसमें व्हाई यानी क्यों, हाउ, कैसे ये घटित हुआ, उसके पीछे काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। किसी भी घटना के पीछे वो कारण जानना चाहता है, कोई भी घटना हुई उसका परिणाम क्या है उसको वो जानना चाहता है।
ये बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था में माँ बाप के ऊपर बच्चा पूरी तरह से निर्भर रहता है, डिपेंडेंसी की फीलिंग रहती है। बट ये बाल्यावस्था की अवस्था ऐसी होती है कि बच्चा स्नान वस्त्र धारण करना, स्कूल के लिए रेडी होना स्वयं शुरू कर देता है। तो इसको दोस्तों फीलिंग ऑफ उसके अंदर डिपेंडेंसी वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म होती है, आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस वाली फीलिंग उसके अंदर दोस्तों पैदा होती है। रचनात्मक कार्यों में बच्चा बहुत ही रुचि लेता है, कोई भी लकड़ी कागज़ सिलाई बुनाई कढ़ाई या रसोई से संबंधित कार्यों में रुचि लेता है बच्चा पूरी तरीके से। और सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास इसी पीरियड में होता है, यानी बच्चे में आज्ञा पालन सहयोग सहनशीलता ईमानदारी सत्यता सद्भावना सहानुभूति आत्मनियंत्रण अनुशासन आदि ये जो सामाजिक और नैतिक गुण हैं दोस्तों इसी स्टेज में डेवलप होते हैं। आगे चलते हैं, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता ग्रीगेरियसनेस, बच्चा समूह में रहना चाहता है, सामूहिक खेल में रुचि रखता है, समूह का सदस्य बनना चाहता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाह्य जगत में बच्चा चूंकि रुचि लेता है तो ऐसी स्थिति में इस बाल्यावस्था में ही बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बच्चों का विकास भी सुनिश्चित होता है। और संग्रह की वृत्ति भी पाई जाती है, बच्चे चित्र खिलौने गुड़ियों गोलियों टिकटों आदि का संग्रह भी करते हैं। अब यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक है कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है दोस्तों। जो शैशवावस्था होती है उसमें स्वप्रेम या जो है पितृ व मातृ विरोधी जो काम ग्रंथियाँ होती हैं वो दोस्तों इस समय समाप्त हो जाती हैं। कुल मिला के ये सेक्सुअल जो भी फीलिंग्स हैं एकदम शांत रहती हैं, बच्चा पूरी तरीके से बच्चे की ऊर्जा दोस्तों पढ़ने लिखने खेलने कूदने में व्यतीत होती है। तो कहने का मतलब बड़ा शांत सा समय होता है, बच्चे की ऊर्जा को आप वांछित दिशा दे सकते हैं। और रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में अस्थायित्व का अभाव होता है, बच्चों में स्टेबिलिटी नहीं रहती, बच्चों की इंटरेस्ट जो है दोस्तों चेंज करती रहती है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब बाल्यावस्था में जो क्या शिक्षा देंगे आप, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बच्चा जो है इस समय चूँकि आपको मैंने बताया कि पूरी की पूरी ऊर्जा उसकी स्थिर रहती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की ऊर्जा को वांछित दिशा आप दे सकते हैं। तो भाषा विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये काल है, तो बच्चों से वार्तालाप किया जाए, कहानी उनको सुनाई जाए, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डाली जाए, वाद विवाद प्रतियोगिताएं किया जाए, भाषण बच्चों को देने के लिए तैयार किया जाए, बच्चों से कविता पाठ कराया जाए। तो ये सारी गतिविधियां जब बच्चों से आप विद्यालय में या घर परिवार में या ऐसे मंच आप देंगे तो बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है दोस्तों बहुत बढ़िया होगा। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, क्योंकि बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है ऐसी स्थिति में खेलना, तो जो भी शिक्षा हो बच्चों को खेल खिलाइए और उस खेल के माध्यम से कोई शिक्षा बच्चों को मिले तो वो समझ लीजिए अमिट हो जाएगी। शारीरिक विकास पर बल, बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन दिया जाए, स्वस्थ माहौल दिया जाए, विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था हो, व्यायाम की व्यवस्था हो, तो बच्चों का जो है शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। बाल वन विज्ञान पर आधारित शिक्षा, शिक्षा में शारीरिक दंड बल प्रयोग डांट डपट से दूर सहयोग प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा हो। रोचक पाठ्य सामग्री, बच्चे में चूँकि हर बच्चा दूसरे से भिन्न होता है तो वैयक्तिक विभिन्नता हो, जो भी कंटेंट एजुकेशनल दिए जाएं शिक्षा की पाठ्य सामग्री में पहली चीज़ तो रोचकता हो, इंटरेस्टिंग हो और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए, किसी एक बच्चे को डिज़ाइन करके करिकुलम ना डिज़ाइन किया जाए। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, सामूहिक कार्य दिए जाएँ, बाल सभा पर्यटन नाटक आदि, ये इसमें सामूहिकता की बात होती हो दोस्तों। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था हो, घर तथा विद्यालय में मिट्टी लकड़ी कागज़ दफ्ती आदि की वस्तुएं बनाई जाएं, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनके अंदर ये चूँकि क्रिएटिव स्टेज ऑफ लाइफ होती है तो उनकी क्रिएटिविटी को आप मोल्ड कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों, संचय चूँकि प्रवृत्ति बच्चों में रहती है तो बच्चों को शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए जैसे डाक टिकट हो गया, माचिस हो गई, सिक्के चित्र प्राकृतिक वस्तुएं, ये उन्हें आप कलेक्ट करके उनके अंदर संचय की वृत्ति को बढ़ा दे सकते हैं, जो बाद में संचय की जो वृत्ति है वो बैंकिंग सिस्टम के रूप में बदल सकती है। गुल्लक वगैरह में बच्चों को पैसा
रखने के लिए भी आप संचय वृत्त को बढ़ा सकते हैं। नैतिक शिक्षा, आनंद देने वाली सरल धार्मिक तथा नैतिक कहानियाँ बच्चों को बताई जाएँ। और मानसिक विकास पर बल, घर तथा विद्यालय में बौद्धिक वातावरण मिलना चाहिए जिससे बच्चे में परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि का अधिकतम विकास हो सके। सामाजिक गुण का विकास, विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का आयोजन किया जाए जो अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहयोग, सहानुभूति आदि का विकास करे। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं और बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पिंग लगा हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो आप इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोहक वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय दुबे साइनिंग ऑफ।